उधर पंजाब हुकूमत के हुक्म पर लोधरा में कोरोना वैक्सीन के ऑब्लिगेटरी रिजिम के पहले मरहले का आगाज कर दिया गया है। रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स, होटल्स की चेकिंग शुरू और एसओपीज के खिलाफ फर्जी और वैक्सीनेटेड स्टाफ मौजूद ना होने पर 3 शादी हॉल सील कर दिए गए हैं। मजीद जाने के मुश्ताक भुट्टा से, मुश्ताक बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की जानिब से ओब्लीगेटरी रजीम के तहत जो हदायत जारी की गई हैं उसके तहत लोधरा में जिले इंतजामिया ने कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया है। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफीसर डॉक्टर आमिर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कहिएगा पहले फेज में किन मकाम पर कार्रवाइयाँ होंगी? जैसे कि आपको मालूम है कि कोरोना जो वबा है इससे लड़ने के दो ही तरीके हैं कि हम कोरोना एसओपीज पर अमल पैरा हों और सेकेंडरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एनसीओसी के साथ मिलकर एक ऑब्लिगेटरी रजीम जो है वो बनाया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लोधरा ने आज उसकी फेज़ वन का बाकायदा आगाज किया था। कल परसों से हमने तमाम जो शादी हॉल्स हैं, मार्कीज हैं और होटल्स हैं उनको सारा कुछ एक्सप्लेन किया था और आज हमने उनके खिलाफ एक्शन का आगाज कर दिया। तो डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी साहब की सरबराही में हमने 3 ऐसे शादी हाल जो कि जिनके पास स्टाफ जो था वो अनवैक्सीनेटेड था उनको सील कर दिया गया और बाकी तमाम शादी हॉल्स को भी चेक किया गया और रोजाना की बुनियाद पर इनको चेक किया जाएगा ताकि ये जो शादी हॉल्स और होटल्स हैं फेज वन के अंदर इनको वैक्सीनेटेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया ताकि यहाँ पर आने वाले तमाम लोग अपना जो तर्ज जिंदगी है वो आराम से गुजार सके। बिल्कुल, तमाम पब्लिक मकाम पर जो स्टाफ है उनको वैक्सीनेशन करवाने के लिए इंतजामले से अलर्ट जारी कर दिया। ठीक है मुश्ताक, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया।